हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम है सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश के उस शख्स की जो हमेशा अपनी हमेशा वो सुर्खियों में रहते हैं, दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का। हमेशा चर्चाओं में रहने वाले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कोविड काल के दौरान ये मन्नत मांगी थी कि अगर कोविड संकट टल गया तो वो ग्वालियर से लेकर दतिया माँ पीताम्बरा माई के दरवाजे तक पदयात्रा करते हुए जाएंगे। पदयात्रा पर चलते हुए बातचीत की ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के मंत्री ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, पदयात्रा निकल रहे हैं। भाई जब पदयात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या वजह है इसके पीछे? पदयात्रा का संकल्प बड़ा साफ है कि हम जब यहाँ के प्रभारी मंत्री थे कोरोना काल में, लोग आपने देखा होगा कितना भयानक दृश्य थे, लोग परेशान थे, दवाएं असर नहीं कर रही थी। उस समय माँ से हमने ये प्रार्थना की थी, हे माँ हम लोगों की रक्षा करना, शहर की, प्रदेश की, देश की। और हम ने उस समय ये भी कहा था कि हम पैदल चल करके माँ तुम्हारी दर्शन करने आएंगे, तुम्हें प्रणाम करने आएंगे। एक तो ये संकल्प था, दूसरा नव संवत्सर शुरू हो गया है, माँ कोई नई महामारी ना फैले। तीसरा जगह जगह ग्रामीण क्षेत्रों से भी पदयात्रा निकलेगी, कस्बों से भी निकलेगी, जगह जगह जन चौपाल लगाएंगे और जन समस्या निवारण कैंप लगाएंगे। सवाल दूसरा, ये कांग्रेस भी ये कह रही है कि एक से डेढ़ साल का वक्त बता हुआ है, चुनाव का समय है, पदयात्रा निकाल रहे हैं प्रद्युम्न जी तो। कांग्रेस के पास तो देखिए, मैं आपसे बताऊँ, मैं इस बार पदयात्रा में आलोचना नहीं करना चाहता किसी की, परंतु आप ये बताओ, अभी सत्र वर्तमान का हुआ था विधानसभा में, जो जनता की आवाज़ विपक्ष को उठानी चाहिए, पर नेता प्रतिपक्ष सदन में मौजूद नहीं थे। मामा जी का बुलडोजर चल रहा है, गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि परिवार के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, बुलडोजर उनके घर पर चल रहा है, अगर ऐसे लोग हैं मेरे पास आए मैं उनका मानवाधिकार आयोग के पास चलेंगे हम लोग उनके पास पहुँचाएंगे। देखिए मेरा ये कहना है, तो कांग्रेस किसके साथ है, बदमाशों के साथ या आम जनता के हितों के साथ? इतना करना चाहिए। आप देख सकते हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर है, उनकी ये पदयात्रा है वो निकल चुकी है और उसके साथ ही उन्होंने कई सारी बड़ी बातें कही हैं कि चौपाल लगाएंगे, चौपाल में जन समस्या का निवारण करने की कोशिश स्पॉट पर की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी कई सारे सवाल हैं वो खड़े किए हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।